वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अनसुलझे रहस्य। फ्रेंड्स, क्या आप भी हमारे साथ उन रास्तों पर चलेंगे जो भरे हुए हैं अनसुलझे रहस्यों से? और न जाने कितने ही अनजान खतरों से जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मानो या ना मानो नहीं बल्कि देखोगे और मानोगे, क्योंकि हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो फकत एक कहानी नहीं, हम तो आपको खुद वहां लेकर जाएंगे जहां सब कुछ आपकी आंखों के सामने घटित होगा। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पक्षी आग में गिरकर खुद ब खुद अपने प्राणों की आहुतियां दे देते हों? क्या कोई ऐसी जगह है जहां पक्षी गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर फांसी के फंदे से लटक कर जान दे देते हैं? जी हाँ, आप अपनी आंखों से देखेंगे ये विश्व प्रसिद्ध अनसुलझा रहस्य। क्या सूफी संत भी आपस में लड़ते हैं? ये जलवा यार प्यारे मैं नहीं। और उसके नतीजे में वहां पर सांप और बिच्छू इकट्ठे हो सकते हैं? क्या बिच्छू किसी को डंक मारते हैं? और अगर मारते हैं तो क्यों मारते हैं? और अगर नहीं मार पाते तो क्यों नहीं मार पाते? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अनसुलझे रहस्य, सिर्फ रफ्तार। क्या कोई पेड़ भी कभी भविष्यवाणी कर सकता है? जी हाँ, है एक ऐसा अनूठा पेड़ जो करता है भविष्यवाणी। ये पेड़ सदियों से भविष्यवाणी करता आ रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है इस पेड़ को पहले ही पता लग जाता है। आखिर क्या है इस पेड़ का रहस्य? चलिए सुलझाते हैं इस अनसुलझी पहेली को। एक फौजी है जो शहीद हो चुका है, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट उसे पूरी तनख्वाह देती है। और अब वो फौजी कैप्टन बन चुका है, सभी के सभी लोग उसे एक एक्टिव फौजी मानते हैं। जी हाँ, आइए आपको खुद लेकर चलते हैं इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए। व्यूअर्स, हम आपके लिए ये प्रोग्राम गहरे शोध के बाद लेकर आए हैं, तो आप देखिए इन अनबिलीवेबल घटनाओं को और जानिए साइंटिस्टों की राय ओनली ऑन रफ्तार।